हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एसी ट्रेडिंग ज्ञान। तो फ्रेंड आज मैं लेके आ गया हूँ वोडाफोन आइडिया की तरफ से बहुत बड़ी न्यूज़ जिससे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है शेयर पे उसके बारे में हम जानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस भी मैं इसके बाद करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि अभी शेयर का जो रेंज चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें कहाँ पर पोजिशन लेना चाहिए और क्या टारगेट रहने वाला है और क्या हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो फ्रेंड बने रहिए इस वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे क्या हो जाएगी, मिस हो जाएगी और पोजिशन बनाते समय आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले न्यूज़ की तरफ आते थे, वोडाफोन आइडिया ट्रेडर्स जो हैं वो हायर एज ब्रिटिश टेलीकॉम मेजर वोडाफोन राइज स्टेक ऑफ 47.61। मतलब वोडाफोन आइडिया जो हैं उसके अंदर जो ब्रिटिश की कंपनी आप अच्छे जानते हो तो वहाँ पे क्या हुआ, वोडाफोन ने राइज किया अपने स्टेक को कितना, लगभग 47.61%, मतलब 48%। प्राइम इसके बाद अपना आ रहा है, वोडाफोन आइडिया काउंटर सेट अ हायर टोन इन टूडेज ट्रेड एज द ब्रिटिशर टेलीकॉम गेंट वोडाफोन राइज टू स्टेक ऑफ द डेप्ट रिडन कंपनी। मतलब इसके कर्जे को खत्म करने के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ लिया गया है कि अपना जो भी है स्टेक वगैरह, तो वोडाफोन में क्या है राइज हुआ स्टेक कितना 47.61% थ्रू इस सब्सिडी प्राइम मेटल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 44.39 स्टेक ऑफ द कंपनी। कहाँ से हुआ ये, सब्सिडी के थ्रू हुआ है, जो प्रोग्राम हो रहा है अपने सब्सिडी जो है इनको प्रोवाइड की जा रही है 47.61 जो भी इनका डेप्ट वगैरह है वो क्या क्लियर करने के लिए। तो इससे बहुत अच्छा इंपैक्ट क्या है अपने को यहाँ पे न्यूज़ पे पड़ सकता है। इसका ये कि न्यूज़ क्या है आपको यहाँ पे वीडियो को पुश कर लेना, पूरी न्यूज़ को यहाँ से पढ़ना है। मैं आपको इसके टेक्निकल की तरफ लेके चलता हूँ, वीडियो को लंबा करने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर टेक्निकल में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हमें पोजीशन बनाना है। यही जो न्यूज़ है इसको आप पूरी तरीके से पढ़ लीजिए। 10.06 रुपये का यहाँ रेट है, 10.33 रुपये यहाँ बता रखा है जो भी टच करेगा इंट्राडे के अंदर 10.33 रुपये पे टच कर दिया है और लो कितना बनाया 10.06 रुपये का, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अपन चलते हैं यहाँ पर टेक्निकल की तरफ। तो यहाँ टेक्निकल में ये बताया जा रहा है, ये जो चार्ट है आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा इस चार्ट में क्या आपको पोजीशन दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो तीनों लाइन है अभी, सॉरी हाँ 50 डेज की मूविंग एवरेज येलो लाइन तो रेड वाली रेड लाइन जो कि 13 डेज का मूविंग एवरेज, ये ब्लू लाइन जो आपको हल्की दिख रही है ये कौन सा है दिन का 200 दिन का मूविंग एवरेज, ये तीनों अभी क्या एक ही जगह पर क्या है यहाँ पे क्रॉस ओवर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो दिख रही है हमें वो ये दिख रहा है कि अभी कंसिस्टेंटली यहाँ पे क्या हुआ मार्केट डाउन होने के कारण आइडिया में क्या रहा है यहाँ पे गिरावट रही पिछले 5 दिनों से। अभी क्या है मार्केट बिल्कुल कंसोलिडेट कर रहा है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूँ तरीके से मार्केट के अंदर अभी यहाँ पे काम हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ उसके बाद आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा आप कि किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है, आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे जो अपना भी काम हो रहा है उसमें ये वाला जो एरिया है इसे देखिएगा आप, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन का जोन चल रहा है और यहाँ से अब क्या होने वाला, या तो ये मार्केट का करेगा ये जो तीनों कैंडलों का जो क्रॉसओवर हुआ है इसको यदि ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो आपको इसमें एंट्री ले लेना है। मतलब ये जो ब्रेकिंग होगी आपकी 10.20 रुपये 10.30 रुपये पे ये ब्रेक होते ही आपको क्या करना है इसके अंदर एंट्री लेना है और 9.5 रुपये का स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताना चाहूँगा कि स्टॉप लॉस आपको मैंने 9.5 रुपये का सजेस्ट क्यों किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मैं क्रॉसओवर को लेकर आ रहा हूँ, यहाँ पे ये क्या है 9.60 रुपये की लाइन है और इसके नीचे अगर आप एक थोड़ा सा पहले पुराना देखें तो ये वाला देखिए, यहाँ आपको मैं हाईलाइट भी करके दिखाने की कोशिश करूँगा। ये वाला जो कैंडल इसका लो देखिएगा आप, ये वाला जो कैंडल बना है हमारा इस कैंडल का आपको क्या करना है लो देखना है और उसके बाद क्या करना है हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हमें कितने रुपए का रखना चाहिए। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो हमारा निकल के आ रहा है वो फिलहाल अभी कितने का निकल के आ रहा है यहाँ पे आप देखना है, ये वाला ये इसका जो लो है वो कितना है हमारा यहाँ पे 9.40 रुपये का, 9.40 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखते हुए और 11.5 रुपये से ऊपर का आपको टारगेट रख के इसमें क्या कर लेना चाहिए अभी एंट्री कर लेना चाहिए और यहाँ पे क्या बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। और इसी तरह से क्या होगा यहाँ पे यदि ये वाले हाई को तोड़ देता है, ये जो हाई दिख रहा है हमें यहाँ पे ये वाला जो हाई है लगभग 11.5 रुपये का, तो फिर हमें ये स्टॉक 13 रुपये पे भी जाते हुए दिख सकता है। मैं आपको ये बैक में जाके दिखाता हूँ कि थोड़े दिनों पहले ही 13 रुपये तक भी जाके आ चुका है। ये देखिए ये वाला जो स्टॉक है यहाँ पे 16 रुपये तक जाके आ चुका है, ज़्यादा दिन ये डे चार्ट है एक दिन का चार्ट है, यहाँ पे ये एक कैंडल एक दिन को प्रदर्शित कर रही है यहाँ पे। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये देखिए यहाँ पे ये वन डे का चार्ट मैंने आपको लगा के रखा है, ठीक है। और उसी के साथ यहाँ पे जो हाई मैंने इधर वाला बता रहा हूँ ये कितने का हाई है, लगभग 15.5 रुपये से भी ऊपर 16 रुपये तक का ये हाई यहाँ पे लगा हुआ है। तो अगर देखा जाए ध्यान से तो अपने को 11.5 रुपये को अगर इसने तोड़ दिया, कौन से वाले को 11.5 को वापस को बताता हूँ आपको हाईलाइट करके, ये वाले ये 11.5 को अगर ये तोड़ देता है तो यहाँ से हमें अच्छी रैली यहाँ ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। और आपको एंट्री करने के लिए स्टॉप लॉस जो है मैंने आपको जो सजेस्ट किया है वो कितने का किया है 9.5 रुपये का, वो कहाँ का के लिए किया, ये वाले जो कैंडल है इसको आप देख सकते हैं, इस कैंडल के कारण मैंने आपको क्या किया यहाँ पे स्टॉप लॉस 9.5 रुपये का सजेस्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह के
ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और आइडिया में एक बहुत अच्छा मौका बन रहा है, अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है कि वोडाफोन की जो कंपनी वो ब्रिटिश की कंपनी और आइडिया जो आदित्य बिरला जी कंपनी इंडिया की कंपनी दोनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो उधर का भी इंपैक्ट अगर इस न्यूज़ का अगर अच्छा पड़ता है तो ये शेयर जो है बहुत अच्छा क्या कर सकता है, मूवमेंट देता हुआ दिखाई दे सकता है। और यहाँ से शेयर ऊपर की तरफ अगर मूवमेंट कर दिया तो आपको क्या होगा, बहुत अच्छा यहाँ पे रिजल्ट दिखाई देने वाला है। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए भी सब्सक्राइब की, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन बनाना है या नहीं, आपको आपकी स्क्रिप्ट बनाना है, ये सब एजुकेशनल लेवल पर मैंने वीडियो डाला है, आपको आपकी टेक्निकल रिसर्च पहले कर लेना है इसके पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।